Hello students, today we are discussing the study strategy for CA Inter FM paper. Sir, hum kaun se material se padhe? Last day pe hum kya revise kare? Theory kahan se padhna hai? Ye sare jo points hum aaj discuss karenge. Okay, now let us start with. Sabse pehle to, aap samjhiye what is the importance of first reading? FM ek conceptual subject hai. Jab aap pehli baar padhte ho, give sufficient time to स्टडी द फर्स्ट टाइम, आराम से पढ़िए. ओके, डू एबीसी एनालिसिस, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट है. और हम जब पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ते वक्त इस तरह से पढ़ो कि लास्ट दो दिन में हम क्या रिवाइज करेंगे, क्या रिवाइज नहीं करेंगे. ओके, जैसे ये क्वेश्चन मुझे लास्ट डे पे पढ़ना है, ये क्वेश्चन मैं लास्ट डे पे रिवाइज करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ देखने वाला हूँ. सो दैट विल help you utilize the last two days. So first reading बहुत important है, उसे sufficient time दीजिए. दूसरी बात, हम जो भी formulas करते हैं FM में, जैसे for example cost of capital के formulas है, okay, for example standard deviation का formula है, operating cycle duration है, इसका concept समझिए. इसका concept समझना बहुत important है. अगर आपने conceptual, अगर आपने formula का logic समझा है, तो एग्जामिनर अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेगा तो भी आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो जितने भी हमारे एफएम के फॉर्मूलाज हैं, उसका लॉजिक समझने की कोशिश जरूर कीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, सर कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? लेट मी टेल यू, ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न इस तरह से बनाया हुआ है कि एग्जामिनर अगर चाहे तो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. गेटिंग इट? तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो. हाँ, इतना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशियोज, ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेजेस, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन हर बार आता है और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है. नॉर्मली ऐसा पैटर्न देखा गया है कि वर्किंग कैपिटल एस्टीमेट और रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है. ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न हमेशा फॉलो. ओके, कैश बजट हर एग्जाम में नहीं आता है. तो ये पॉइंट्स हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. लेकिन याद रखना, इंस्टीट्यूट किसी भी चैप्टर में से कंपलसरी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. गेटिंग इट? नेक्स्ट वन, कौन से मटेरियल से यूज, सर कौन से मटेरियल से पढ़े? देखिए, हमने जो नोट्स, जो मेरी नोट्स है, वो आप पहले स्टडी करो. क्योंकि हमारी नोट्स में इंस्टीट्यूट के ICA मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर्ड है, प्लस पास्ट पेपर्स के भी काफी सम्स कवर्ड है. तो जो हमारी नोट्स है वो आप ध्यान से पढ़ें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार हमारी नोट्स हो चुकी है, बिकॉज सी इन द क्लासरूम वी हैव फॉलोड वन पर्टिकुलर पैटर्न, फिर उस पैटर्न से तुम मॉड्यूल के बैलेंस क्वेश्चन देख लो. स्टडी मटेरियल डेफिनेटली देखना चाहिए, नो डाउट, मॉड्यूल तो हमको देखना ही है, लेकिन पहले अपना बुक खत्म करो. अपना बुक खत्म करोगे तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, सारे इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. फिर मॉड्यूल में जो इजी क्वेश्चन दो चार बचे होंगे वो देख लो. दूसरी बात, एटलीस्ट दो RTP, तुम्हारे अटेम्प्ट वाला और तुम्हारे प्रीवियस अटेम्प्ट वाला, और MTP मॉक टेस्ट पेपर्स जो तुम्हारे अटेम्प्ट में दो आते हैं, उसको जरूर पढ़े. और मैं बोलता हूं दैट्स इट, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. रिमेंबर, स्मार्ट स्टडी से हम पास होंगे, याद रखना. ज्यादा पढ़ने से पास नहीं होते हैं, स्मार्ट स्टडी से पास होंगे. क्योंकि हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर 11 सब्जेक्ट्स है बेसिकली, तो सब कुछ कवर करना है. तो किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा पढ़ाई कर लिया, कोई दूसरा सब्जेक्ट कम पढ़ लिया, ये नहीं चलेगा, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टडी अवर बुक फर्स्ट. Then you go for module, see the balance questions, and then you go for at least 2 RTPs and MTPs, at least. Okay, test yourself. Jitni test tum de sako, do. MTP khud solve karne ki koshish karo. Okay, let's go to the next point. Sir, kya koi paper ka trend hai? Koi paper trend nahi hai. Institute kabhi bhi kuch bhi puch sakta hai. To last exam mein, agar samjho, कोई अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर ले लो, से कैश बजट, अगर लास्ट एग्जाम में आया था तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा पैटर्न कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है.
तो कोई ऐसे पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो मत करो, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि कंपलसरी क्वेश्चंस, कंपलसरी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स है जो एग्जाम में आते ही है, जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, राइट, देन से फॉर एग्जाम्पल रेशियो एनालिसिस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये जो कुछ चैप्टर्स है, लेवरेजेस है, ये एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पॉलिसी, लास्ट एग्जाम में डिविडेंड पॉलिसी का थियरी क्वेश्चन आया था, प्रैक्टिकल नहीं आया था, तो इस बार प्रैक्टिकल आने का पूरा चांस है, तो कोई पर्टिकुलर ट्रेंड इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट, सर व्हाट शुड बी द स्टडी स्केड्यूल, तुम्हारे हिसाब से पढ़ो। सम स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल रीडिंग एट दी नाइट, सम स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन डे, तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई करो, लेकिन एक सजेशन ये है कि तुम समझो फॉर एक एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट लेके बैठ गए, तो ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट पूरा दिन हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ऑफकोर्स दैट इज एडवाइजेबल, ठीक है। और अपना टाइम टेबल बनाओ, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ कि सर हम ये टाइम पे ये पढ़ेंगे, कुछ इतना दिन ये पढ़ेंगे, इतने दिन ये पढ़ेंगे, और वो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करो। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, लास्ट 2-3 मंथ्स में डिसिप्लिन के बिना पढ़ाई नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सर टाइम टेबल कैसे बनाना है वो तुम्हारे पर है, कौन सा सब्जेक्ट हमको टफ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है, तो टफ और ईजी का कॉम्बिनेशन बनाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट, ग्रुप वाइज कॉम्बिनेशन बनाओ, जो भी चाहिए। लास्ट मंथ रिविजन का होना चाहिए, इफ यू आर अपियरिंग फॉर नवंबर पेपर अक्टूबर मंथ शुड बी फॉर रिविजन, इफ यू आर अपियरिंग फॉर मे अप्रैल शुड बी फॉर रिविजन। देखो रिविजन जो है ना, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ने से, रेपिटेशन करने से कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बात, एग्जाम के कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट 1 महीने 2 महीने की बात कर रहा हूं, एग्जाम का जो ड्यूरेशन है तुम्हारा स्टडी ड्यूरेशन, उसमें ईट प्रॉपरली स्लीप प्रॉपरली, डोंट डिस्टर्ब योर स्केड्यूल, एंड दिस स्केड्यूल यू आर गोइंग टू फॉलो ऑन द एग्जाम डे ऑल्सो, अदरवाइज अपना बॉडी वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। एग्जाम के दिनों में ज्यादा पढ़ लिया ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, एग्जाम के दिन पे हमने सिर्फ 2 घंटा सोया ये नहीं चलेगा, दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू इन राइटिंग द पेपर, ओके। सो योर स्केड्यूल शुड बी डिसिप्लिन स्केड्यूल, ओके। नेक्स्ट वन, सो थियोरी कहां से पढ़े? देखो थियोरी बेटा ऐसा है कि थियोरी क्वेश्चन अगर तुम चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा है तुमको पता है, मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, ओके, 20 मार्क का, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क के, राइट, ये प्रैक्टिकल आता है पूरा, ओके, वो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर 5 क्वेश्चन है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो 6 क्वेश्चन थियोरी है, ओके, 6 क्वेश्चन पूरा थियोरी है। तुम चाहो तो 100% पेपर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट ऐसा मत करो, थियोरी पढ़ो। एग्जाम में भले तुम अटेम्प्ट मत करना, कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर, मई 18 के पेपर में हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने 2-3 मार्क का थियोरी पूछ लिया था नीचे, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन और नीचे थियोरी क्वेश्चन, 8 मार्क का प्रैक्टिकल 2 मार्क का थियोरी। कहीं इंस्टीट्यूट ऐसा ना करे, वो सिर्फ मई 18 में हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा थियोरी कहां से पढ़े? देखो नंबर वन, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द फर्स्ट मॉड्यूल में से जो पहले 2 चैप्टर है वो तुम पढ़ लेना, ओके, और जो बाकी का थियोरी है अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ो, जो हमारी जो मैंने टेक्स्ट बुक दिया है तुमको उसमें से पढ़ो, उस टेक्स्ट बुक में से आराम से थियोरी कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर्स के पहले का जो थियोरी मैंने दिया है ना वो थियोरी में सब कवर हो जाता है, वो सब कवर हो जाएगा। तो तुम्हारा जो सिक्स क्वेश्चन है उसमें थियोरी कैसे आता है, इट कैन बी 4-4-2 और 2-4-4, कोई भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन उसमें से आधी थियोरी ये 2 चैप्टर में से आ जाएगी, और जो बैलेंस थियोरी है वो तुम्हारे प्रैक्टिकल चैप्टर की थियोरीज में आ जाएगी जो हमारे टेक्स्ट बुक में कवर है। मतलब टेक्निकली तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी ये वाली थियोरी तो तुम कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, बिकॉज यू हैव डन दैट इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट सर, लास्ट के 2 दिन कैसे यूज करें? देखो 7th पेपर जब तुम लिखोगे EIS और SM का पेपर, वो पूरा थियरी पेपर है, तो उस दिन तो हम
और थियरी पढ़ने का शायद नहीं सोचेंगे, राइट? तो ऑन द सेवेंथ एग्जाम डे पेपर तुम क्या करोगे, जितना तुम्हारा टाइम बचा इजी टॉपिक उठा लो, जैसे से फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पॉलिसी है, लेवरेजेस है, कैश बजट है, वो उड़ा दो, उस दिन खत्म कर दो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट पढ़ लो, रीड दोज चैप्टर्स ऑन द सेवेंथ पेपर एग्जाम डे। पेपर लिख के जब बाहर हो गए शाम को, दो तीन तीन चार घंटे में ये हो सकता है, राइट? जितना तुमसे हो सके चार चैप्टर में से। फिर अगले दिन तुमको छुट्टी है, यू हैव अ हॉलीडे, सो द फर्स्ट हाफ यू कैन स्टडी इकोनॉमिक्स बिंग थियरी, बैलेंस हाफ में एफएम के चैप्टर्स खत्म कर दो। जब दूसरे दिन छुट्टी होगी तो फर्स्ट हाफ तुम इको पढ़ सकते हो, सेकेंड हाफ में तुम एफएम के बैलेंस चैप्टर कर दो। और ऑन द डे ऑफ एग्जाम व्हेन देयर इज द एफएम एग्जाम पेपर, आई एम सेइंग ऑन दैट डे यू कैन यूटिलाइज फॉर एफएम थियरी एंड द बैलेंस टाइम यू यूज फॉर इकोनॉमिक्स। तो एफएम का थियरी तुम एग्जाम के दिन पढ़ना तो थोड़ा याद रहेगा, फ्रेश होगा। एफएम का थियरी रिवीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ये तुम एग्जाम के दो दिन इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट आई कैन थिंक ऑफ। ओके, नाउ पेपर राइटिंग। सर पेपर राइटिंग में देखो, सबसे पहली बात तो पेपर तुमको जैसे लिखना है तुम लिखो, तुम्हारा कंफर्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर जब हाथ में आता है पढ़ लो पहले, ईजी क्वेश्चन पहले उठाओ। समझो फॉर एग्जाम्पल लेवरेजेस आ गया, समझो फॉर एग्जाम्पल रेशियोज आ गया, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द रेशियोज, ओके, डिविडेंड पॉलिसी का सम आ गया, तो पिक एन ईजी क्वेश्चन, अ स्मॉल क्वेश्चन, बिकॉज दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप समझो, ओके, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप हो जाएगा इनिशियली एक दो क्वेश्चन लिखकर, ओके? और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सीक्वेंस फॉलो करना है सर? ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम कोई भी क्वेश्चन पहले लिख सकते हो, लेकिन इंटरनली सीक्वेंस ब्रेक मत करना। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला क्वेश्चन तुमने लिया है, कंपल्सरी क्वेश्चन लिया है, तो इट वुड बी प्रेफर्ड कि उसके अंदर ए बी सी डी को चेंज मत करो, गेटिंग इट? वैसे कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता नहीं है, तुम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करो। अगर तुमने पहला क्वेश्चन उठाया तो उसके अंदर ए बी सी डी अगर लाइन से सॉल्व करोगे तो इट इज मोर प्रॉपर। दूसरी बात, लेंदी क्वेश्चन को अवॉइड करो स्टार्टिंग में। समझो एक लेंदी क्वेश्चन है, तुमको आता है, हम वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वी नो दैट क्वेश्चन, तो उसको तुम एंड के लिए रखो, एंड के लिए रखो, ठीक है? पहले तुम इजी क्वेश्चन दो तीन उठा लो, दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट इजी उठा लो। अगर आपको लगता है कि कंपलसरी क्वेश्चन तो सर एकदम इजी समझे, आराम से मुझे सब आता है, पहले वो करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्टिंग में लेंदी क्वेश्चन मत लेना। और एक पॉइंट, सपोज तुमको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, कोई एक क्वेश्चन है बहुत लेंदी है, थोड़ा सा टफ है सर, नहीं समझ रहे, तो उसके बदले तुम अगर 6 मार्क का भी थियरी अटेम्प्ट करो ना तो भी चलेगा। 10 मार्क का थियरी आता है, समझो उसमें से 6 मार्क का, 7 मार्क का, 8 मार्क का थियरी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, 6 to 8 मार्क्स का थियरी, पूरा 10 मार्क का थियरी हमको नहीं आता है सर, कोई बात नहीं। अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल तुमको नहीं आता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उससे बेटर है कि तुम थियरी पढ़ो। इसीलिए मैंने कहा कि थियरी पढ़ना जरूरी है। और थियरी में क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट्स इट। ज्यादा थियरी पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, ओके? ये दो चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हारा थियरी हो जाएगा, बाकी का तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स में थियरी है ही पीछे, वो तो हमने वैसे भी क्लास में किया हुआ है, ओके? तो ये थे कुछ पॉइंट जो मुझे शेयर करने थे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक।